Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Welcome to the online class 10th class. Ummeed hai aap khairiyat se honge. अच्छा बेटा, हम जो है वो एमसीक्यूज कर रहे थे आपके फर्स्ट चैप्टर जो है नजरिए पाकिस्तान उसमें से, और हमारा पहले चैप्टर के एमसीक्यूज ही कंटिन्यू थे, तो उसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह आप उन्हें आज के लेक्चर में जो है वो बाकायदा तौर पे करते हैं। तकरीबन 29 तक हमने कर लिए थे, आज इंशाल्लाह 30 से हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबक हमारा है नजरिया पाकिस्तान। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, आज हम करें 30 से, इसके अंदर 30। आगे है 30 नंबर, नेहरू रिपोर्ट पाली जगह में शामिल हुई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट शामिल हुई, कब शामिल हुई है? आगे देखते हैं, कांग्रेस मुसलमानों की इलाका नुमाइंदगी, कांग्रेस मुसलमानों की इलाका नुमाइंदगी का उसूल खाली जगह मैं तस्लीम कर चुकी है। ठीक है, कब? कांग्रेस मुसलमानों की इरादा नुमाइंदगी का असूल कब तस्लीम कर चुकी है? 1916 ठीक है, कि कांग्रेस कब तस्लीम कर चुकी है? 1916, 12, 15 या फिर 16 में सही जवाब क्या है कि कांग्रेस 1916 में जो है वो तस्लीम कर चुकी है। कांग्रेस मुसलमानों की इरादा नुमाइंदगी का उसूल 1916 में तस्लीम कर चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुसलमानों के इरादा वतन का मुतालबा इलाहाबाद अकबर ने 1930 में मुसलमानों के लिए
ilada rutin kamu taliba alamai bal rahimullah ne 1930 में पैसे जगह में पेश किया, ठीक है। मुसलमानों के लिए लादा वतन का मुकर्रर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने मैं पेश किया वाली जगह, यानी कहां पर, अकबराबाद, गाजियाबाद, आलाबाद या फिर अकबराबाद, गाजियाबाद, आलाबाद, या फिर शाहजहां, चलो शाहजहां, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए इलादा वतन का मुतालबा अलामा इकबाल ने 1930 में अपने खुतबा, सही जवाब क्या है, चार ऑप्शन, अकबराबाद, गाजियाबाद, आलाबाद या शाहजहां आबाद, तो सही जो ऑप्शन क्या है कि अपने खुतबा आलाबाद में पेश किया, ठीक है। कि इलादा वतन का मुतालबा 1930 में अलामा इकबाल ने अपने खुतबा आलाबाद में पेश किया, ठीक हो गया। आगे है मुसलमानों ने खाली जगह, मुसलमानों ने मैं करारदाद पेश की, मैं करारदाद पेश की, ठीक है। मुसलमानों ने मैं करारदाद पेश की कब, यानी 23 मार्च 23 मार्च 1935 23 मार्च 1940 23 मार्च 1942 या फिर 23 मार्च 1945, ठीक है। मुसलमानों ने मैं करारदाद पेश की कब, 23 मार्च 1935, 1940, 42 या फिर 45, तो सही जवाब इसका है कि मुसलमानों ने 23 मार्च 1940 में करारदाद पेश की, ठीक हो गया। इसके अगर हम दोबारा देखें कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में शाया हुई, कांग्रेस मुसलमानों की इरादा नुमाइंदगी का असूल 1916 में तस्लीम कर चुकी है, मुसलमानों के लिए इरादा वतन का मुतालबा अलामा इकबाल ने 1930 में अपने खुतबा आलाबाद में पेश किया। आगे मुसलमानों ने 23 मार्च 1940 में करारदाद पेश की, ठीक है। आगे है अच्छा नंबर 34 के लिए करारदाद पाकिस्तान के अनुसार मुसलमानों की आजाद और करारदाद
Kiruse करदार की रूह से करदार का सॉरी करदार पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों करदार पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों की आजाद आजाद और खाली जगह हुकूमत कायम करने का फैसला किया गया हुकूमत कायम करने का फैसला किया गया ठीक है करदाद पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों की आजाद और कौन सी हुकूमत कायम करने का फैसला किया चार ऑप्शन आएंगे महकूम मुस्तहकम महकूम मुस्तहकम खुद मुख्तार या फिर मारते हैं ठीक है तो चार ऑप्शन है कि हुकूमत मुस्तहकम खुद मुख्तार या फिर मारते हैं तो करदाद पाकिस्तान की रूह से मुसलमानों की आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला किया ठीक है सही ऑप्शन क्या है कि हुकूमत जो कायम करने का फैसला किया वो जो हुकूमत खुद मुख्तार ठीक है आगे है दुनिया में कौमियत दुनिया में कौमियत की तश्कील की खाली जगह बुनियाद है ठीक है दुनिया में कौमियत की तश्कील बुनियादें हैं क्या है बुनियादें चार ऑप्शन एक दो तीन या फिर चार ठीक है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की बुनियादें हैं कितनी बुनियादें हैं एक दो तीन या चार का सही जवाब क्या है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की बुनियादें दो हैं ठीक है आगे देखते हैं अहले इमारत ने अहले मगरब ने कौमियत की बुनियादें हर जगह हुदूद हुदूद पर इस्तवार की ठीक है अहले मगरब ने कौमियत की बुनियादें हर जगह हुदूद पर इस्तवार की और कहा कौम वतन से बनती है और कहा कौम वतन से बनती है ठीक है चार ऑप्शन लिसानी Thank you.
geografiai, lisani geografiai, elakai, ya fir kabaili. مغرب نے قومیت کی بنیادیں حدود پر کس حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم بدن سے بنتی ہے لسانی جغرافیائی علاقائی یا پھر قبائلی تو انہوں نے کس بنیاد پر جغرافیائی بنیاد پر حدود یعنی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم جو ہے وہ بدن سے بنتی ہے آگے ہے مسلمانوں کی قومیت مسلمانوں کی قومیت ایک قومیت ہے مسلمانوں کی قومیت ایک خالی جگہ قومیت مسلمانوں کی قومیت ایک قومیت ہے ایک قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یعنی مسلمانوں کی قومیت ایک قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی وہی آپشن کہ لسانی یا پھر جغرافیائی یا پھر علاقائی یا پھر قبائلی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ایک خالی جگہ قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے تو آگے چار آپشن ہیں کیا لسانی علاقائی جغرافیائی یا پھر نظریاتی تو اس میں چوتھا آپشن جو ہے وہ نظریاتی ہے اور صحیح آپشن بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے ٹھیک ہو گیا اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا نمبر دو ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل دو بنیاد تشکیل کی دو بنیادیں ہیں آگے اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا قوم وطن سے بنتی ہے آگے ہیں مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو یہیں سے آگے جو مزید جو ایم سی کیوز بن رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے اللہ حافظ